हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं 9। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी कि हम लोग जा रहे हैं वैकेशन पे, तो वो है आज का दिन। आज हम लोग निकलेंगे। हम लोगों को अराउंड 3 o'clock निकलना होगा क्योंकि 6:20 का फ्लाइट है। और कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को ब्लॉग देखते रहिए, पता चल ही जाएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच, क्योंकि लंच बना के किचन वगैरह क्लीन जो भी है वो सब करके फ्री हो जाएंगे। और पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है, बस फाइनल जो पैकिंग होती है ना, तो बस वही करनी है। तो जल्दी से लंच कंप्लीट करते हैं बनाना। और ब्रेकफास्ट तो अभी प्लान नहीं की हूँ, ब्रेड और चाय ऐसे कुछ खा लेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए फटाफट काम करते हैं और फिर फाइनल पैकिंग करते हैं। फ्रिज में थोड़ी थोड़ी सब्जी थी तो उसी को मिक्स करके एक सब्जी बना दी हूँ। ऑलमोस्ट हो ही चुकी है यहाँ पे सब्जी, दाल भी बॉयल हो चुकी है, बस छौंक लगाना है। चावल भी भिगो के रख दी हूँ, तो सब कुछ हो चुका है। बाकी जो मुझे एक्स्ट्रा काम है कुछ कुछ, वो सब मैं अब करूँगी, ये सब एक बार हो जाए और उसके बाद फिर आगे आप लोग ब्लॉग देखते रहिए तो आप लोगों को पता चलेगा ये सब कुछ। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ब्लॉग को। कल एक्चुअली थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, हल्का सा फीवर और सर्दी, पर आज बहुत बेटर है। मैं मेडिसिन ले ली थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, मतलब कल मुझे टेंशन नहीं हो गया कि ऐसे तबीयत इस टाइम में ख़राब हो गया, बट अभी बहुत अच्छा है, बेटर है। अभी मेडिसिन ब्रेकफास्ट के बाद ले लूँगी तो बाकी थोड़ा भी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो सब्जी भी ऑलमोस्ट हो चुकी, तो अभी रूम का हालत एकदम नहीं है, ये देखिए। तो अभी मेकअप का पहले मैं अरेंज करके सब कुछ रख लूँ, सब कुछ निकाल के मिला के रखती हूँ, तो इसे मैं अभी अरेंज कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद फिर एक बार जैकेट वगैरह जो है वो देख लेते हैं। सो हो गए हैं रेडी, अभी बस निकलेंगे 15 मिनट में। बहुत जल्दी 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 सब कुछ करना हुआ, मतलब थोड़ा भी अगर टाइम इधर उधर होता तो हम लोग को लेट हो जाता, क्योंकि घर का भी सब कुछ अरेंज करके फिर निकलना ठीक है, उस चक्कर में बहुत भागा दौड़ी हो चुकी है। तो अभी हम लोग निकलेंगे 15 मिनट्स में, रेडी हो गए हैं, लगेज वगैरह सब कुछ निकाल लिए हैं। तो चलिए निकल के फिर आपसे मिलते हैं। फ्लाइट की टाइमिंग हो गई है चेंज, अभी हो गई 8:30, तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी शायद बज रहे हैं कितना बज रहे हैं 6:20 का टाइमिंग था, बट चेंज हो गया अभी 6:20, तो सॉरी 8:30, तो वेट करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और 1.5 आवर, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल वेट करते हैं। सो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं फ्लाइट के, और चलो बहुत देर हो गई।
अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं दिल्ली और कल यहाँ से फ्लाइट है अमृतसर के लिए, तो हम लोग पहले जा रहे हैं अमृतसर और अभी बज रहे 11, बहुत देर हो चुका है तो अभी जल्दी से निकलते हैं, बहुत थक चुके हैं। गुड मॉर्निंग, अमृतसर पहुंच गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं कैब का और जैसे कैब आते हैं तो निकल जाएंगे होटल के लिए। धूप बहुत अच्छी है, ठंड भी है पर धूप है तो अच्छी लग रही है। अभी जल्दी से कैब आए तो निकले हम लोग। होटल में आ गए हैं और फ्रेश होना भी हो गया, अभी करेंगे लंच और उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, 1 घंटा जैसा सोएंगे और फिर निकलेंगे हम लोग बाहर, पहले लंच करके थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। हो चुके हैं रेडी, अभी निकलेंगे, अभी बज रहे हैं शाम के 6, आराम से लंच करने के बाद सो गए थे और अभी फ्रेश होके अभी निकल रहे हैं, अभी बाहर निकल के कहीं चाय पियेंगे और उसके बाद जाएंगे गोल्डन टेम्पल मार्केट, तो देखते हैं कहाँ कहाँ कवर करते हैं, कल भी है तो कल भी हम लोग आराम से घूमेंगे। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना ड्रेस जो भी मैं पहन के कम्फर्टेबल जो भी है वही पहन ली हूँ और ठंड तो है, जैकेट पहन ली हूँ, तो आपको दिखाती हूँ मैं आज का लुक। तो ये रहा आज का ड्रेस, ये मैं सूट पहन ली हूँ और जैकेट, तो चलिए अब जल्दी से निकलते हैं। तो निकल गए हैं हम लोग और होटल हम लोग का वॉकिंग डिस्टेंस ही है गोल्डन टेम्पल से, तो अभी हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, देखते हैं पहले थोड़ा सा मार्केट प्लेस थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर गोल्डन टेम्पल जाएंगे। वहाँ चले गए थे ना उस तरफ, उधर से उधर वहाँ चले गए थे। हाँ अभी हम लोग मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं जहाँ भी अच्छा मिला तो वहाँ से हम लोग ले लेंगे, आज नहीं तो कल भी ले सकते हैं। आज हम लोग अच्छे से पूरा मार्केट को स्टडी कर ले, कहाँ क्या है, रेट्स भी कैसे हैं, क्योंकि जितने हम लोग मंदिर के पास जा रहे हैं उतना रेट ज़्यादा है और थोड़ा सा बैग जा रहे हैं तो थोड़ा कम मिल रहा है रेट, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं।